2019 का वर्ल्ड कप विजेता इंग्लैंड रहा, लेकिन न्यूजीलैंड की हार को लोग पचा नहीं पा रहे हैं। इस साल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच रोमांचक भरा रहा, मैच टाई रहा और इसके बाद सुपर ओवर खेले गए ताकि मैच का फैसला हो सके, लेकिन सुपर ओवर भी टाई हो गया। क्रिकेट फैंस के लिए बहुत खुशी की बात थी, लेकिन ICC ने जो फैसला दिया उससे तमाम क्रिकेट प्रेमियों का दिल टूट गया और साथ ही ICC पर तमाम तरह के सवाल उठने लगे। मैच में टाई हुआ था और संयुक्त विजेता घोषित ना कर जिस टीम ने सबसे ज़्यादा बाउंड्री ली थी उसे यानी कि इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया। इसको लेकर तमाम क्रिकेट के फैंस सहित दिग्गज खिलाड़ियों ने भी ICC पर सवाल उठाए हैं। न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ी रहे स्कॉट साइरिस ने कहा कि ये एक मजाक है और उनके इस बयान से साफ दिखाई दे रहा है कि ICC के इस नतीजे से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहीं न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान फ्लेमिंग ने भी कहा कि ये निर्णय था। इसके अलावा भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर गंभीर ने भी ट्वीट कर ICC के इस नियम को बकवास कहा है। इसके साथ ही आम फैंस ने भी ICC के इस नियम पर सवाल खड़े किए हैं। लोगों का ये कहना है कि जो 102 ओवर के मैच के बाद भी फैसला चौके और छक्कों पर ही लेना था तो फिर ये कैसा नियम है। इस वर्ल्ड कप के नियम को फैंस ने बकवास बताया है क्योंकि जब अंतिम ओवर में मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर खिलाए जाने पर भी मैच टाई हो गया था तो ICC को संयुक्त रूप से दोनों टीमों को विजेता घोषित करना चाहिए था, ना कि चौके छक्कों को गिनकर वर्ल्ड कप का विजेता घोषित करना था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।